हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी किचन में आप सबका स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज चाउमीन। तो आइए जल्दी से हम देख लेते हैं वेज चाउमीन बनाने के इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने लंबी लंबी जुलियन शेप साइज में कटी हुई गाजर ली हुई हैं 1 कप। ये एक बड़ा लंबा कटा प्याज है, ये एक शिमला मिर्च है, एक हरी शिमला मिर्च है, ये आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, आधा छोटा चम्मच नमक है, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस है, आधा छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस है, आधा छोटा चम्मच टोमेटो सॉस है और ये आधा छोटा चम्मच सफ़ेद विनेगर लिया है। और ये मैंने हक्का नूडल्स लिए हुए हैं, ये मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं, इन्हें मैंने उबलते गर्म पानी में नमक डाल के उबाल लिया था। तो आइए चलते हैं हम वेज चाउमीन नूडल्स बनाने। ये मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई पे गरम होने। अब सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूंगी। हाथ ऐसे करके देख लेना है कि तेल गरम हुआ कि नहीं। तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक लार्ज साइज प्याज लिया है, इसको मैं डाल रही हूँ। जब आप डाल रहे हो तो गैस धीमी रखें और फिर उसके बाद तेज कर दें। इन सब वेजीज को इस हाई फ्लेम पे स्टिर फ्राई करना है, ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। आप चाहें तो कैबेज भी ले सकते हैं, पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, पर मैंने पत्ता गोभी इसमें वेज चाउमीन में नहीं डाला है क्योंकि पत्ता गोभी मुझे पसंद नहीं है। प्याज को हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है, स्टिर फ्राई करना है। और अगर आप पत्ता गोभी डाल रहे हो तो जब आप प्याज और गाजर डाल चुके हो तब पत्ता गोभी डालिएगा, क्योंकि पत्ता गोभी जल्दी पक जाता है इसलिए। देखिए 2 से 3 मिनट इन प्याज को इससे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये प्याज भुन गए हैं। आप इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे और ये मैंने 3 हरी मिर्ची भी ली हुई है, ये डाल देंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे। और ये गाजर कटी हुई जो है इनको भी डाल देंगे। अब इसे हम तेज आंच पे हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, चलाएंगे। बहुत ज़्यादा सब्जी को गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची इसका टेस्ट आने देना है, इसलिए सब्जियों को बहुत ओवर कुक नहीं करना है। ये नमक डाल देंगे, नमक आप कमी डालिए,
अगर कम हो जाए तो आप बाद में नमक को बढ़ा भी सकते हैं, और आप नमक कम ही डालिए क्योंकि मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस और टमाटो सॉस डाल रही हूँ, और पहले इन नूडल्स को उबालते समय भी नमक डाला है, इसलिए नमक की क्वांटिटी हमने कम ही रखी है। ये देखिए हमारी सब्जी, मैंने तेज आंच पे इन सब्जी को स्टिर फ्राई करा। इन सब्जी को बहुत ओवर कुक नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही इसको स्टिर फ्राई करना है। सब्जियां हो गई हैं, सब्जी को बहुत गलाना नहीं। अब चलिए अब हम इसमें ये नूडल्स डाल देते हैं। ये देखिए इसमें सोया सॉस, ये सोया सॉस डाल रहे हैं। सोया सॉस आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये काली मिर्च, ये चिली सॉस, ये टमाटो सॉस डाल रही हूँ मैं। और ये फाइनली विनेगर जो लिया ये डाल रही हूँ। अब इसको भी हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर ले रहे हैं अच्छी तरह, जिससे सारे मसाले और सारी सब्जी आपस में मिल जाए अच्छे से। ये नूडल्स को मैंने अच्छी तरह उबाल लिया है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना था, इसको बस स्टिर फ्राई करना। ये देखिए हमारे बढ़िया से नूडल्स बन के रेडी हो गए हैं, अब हम इनको सर्व कर देंगे।
ये देखिए, देखिए हमारे नूडल्स बनके, वेज चाउमिंग नूडल्स बनके तैयार हो चुके हैं। गाइस, आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फीडबैक ज़रूर दें। फिर मैं मिलूंगी अगली रेसिपी के साथ।